अच्छा मेरे को बता तू, तेरे को कितना टाइम लगेगा? देख मुझे 20 मिनट और लगेंगे, मुझे इसके बाद क्रॉस ट्रेनर करना है। ठीक है तू कंटिन्यू कर, मुझे लेट हो रही है, मेरी नाइट शिफ्ट स्टार्ट होने वाली है। ठीक है मैं काम करता हूँ, तेरे लॉकर में तेरा डीओ और तेरा बॉडी वॉश रख देता हूँ, और ये ले घर की चाबी, हमेशा रोता रहता। मिलता हूँ घर पे, बाय बाय। आज तो बहुत लेट हो गया, बॉस चिल्लाएगा, ऊपर से एक ऑटो नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो। सुनो यहाँ ऑटोज मिलना बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? नहीं ठीक है, अब पूछने के लिए थैंक यू। क्या तुम श्योर हो कि तुम वेट करोगे? वो मैं प्राइड होटल जा रहा था। अब तो ठीक है, मेरे रास्ते में ही है, आई कैन ड्रॉप यू। ओके थैंक यू, चलो। सुनो तुम कंफर्टेबल तो हो ना? टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छा चलाती हूँ। हाँ। वैसे होटल डेट पे जा रहे हो या फ्रेंड्स के साथ पार्टी? अरे नहीं नहीं वो मैं ट्रेनी शेफ हूँ ना, तो आज मेरी नाइट शिफ्ट है इसलिए। ओ फिर तो तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता होगा। हाँ थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी मैं सीख रहा हूँ। हम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता होगा। कोशिश तो करता हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए, वरना मैं पता है टाइम पर बिल्कुल नहीं पहुँच पाता। चलो अच्छा है, आज तुम टाइम पे पहुँच जाओगे। हाँ वैसे तुम रोज इसी टाइम जिम आती हो? हाँ चलो अच्छा है कि तुम्हारा दोस्त भी इसी जिम में आता है, तो मिलते रहेंगे। हाँ मेरा होटल आ गया। ओके भाई ध्यान कहाँ है तुम्हारा? डिनर सर्विस शुरू होने वाला है, जल्दी करो यार, जल्दी। गेट मूविंग चलो चलो सब लोग जल्दी करो। आई डोंट वांट एनी कंप्लेंट टुडे। उधर देखना जरा। हाय 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 हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? नाइस जस्ट स्पोक विद माय मदर नाउ, टेलिंग यू जस्ट हैड अ नाइस स्काइप टॉक एंड इट। आयुष क्या कर रहा है? खाना बना रहा हूँ। यार रोहन तुझे कितनी बार कहा मेरी नाइस को मत छेड़ा कर यार। अरे तू इतना सेंडी क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है आगे से हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा सुन ना, वो जिम वाली कैसी है? अच्छी है। अच्छी है सुना तूने? ओहो आयुष की तो लॉटरी लग गई यार। ओए आयुष सुन, तूने लड़की का नाम पूछा? यार नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। हद है यार, ये यहाँ फिरंग घुमा रहा है और तूने लड़की का नाम नहीं पूछा? अच्छा छोड़ यार, पूछ लेगा नाम। अच्छा रोहन हाँ, तेरे जिम की मेंबरशिप फी कितनी है? जिम जाएगा तो अब मजनू जिम जाएगा। अच्छा सुन टाइम क्या हुआ है अभी? जिम नहीं जाना है क्या? अभी निकलना नहीं है। जिम क्यों? अरे जिम जाना था वो। अरे तो अच्छा हाँ हाँ ओके 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 हाँ हाँ एक्चुअली मैं जा ही रहा था। सुन तू मेरे लिए खाना छोड़ना ठीक है? हाँ मैं आगे खाना खाऊंगा। ओके बाय। अरे सुन रोहन। हाँ मैं भी तेरे साथ चलता हूँ ना, खाना बन गया बस। हाँ आजा तू भी सीख ले आके।
आजा। अच्छा सुन ना समर, यार 15 मिनट में बंद कर दियो ना यार। हाँ तू छोड़, जा जा। ओके ओके बाय 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 बाय। यार तेरा दिन तो बड़ा खाली खाली लग रहा है आज। खाली खाली लग रहा है साले, मुझे भी पता है तू किसे ढूंढ रहा है। यार वो कहीं दिखी नहीं रही। अरे अजय सुन, वो पिंक एंड वाइट स्पोर्ट्स वाली लड़की नहीं आई जिसके पास स्कूटी? अरे अभी तो थी यार, देख शायद से निकली होगी, मैं पार्किंग में होगी कहीं। तू देख क्या। हाँ मैं जा, लेट्स स्टॉप लेट। हे आज फिर कहीं शॉप कर दू? नहीं नहीं, वो मेरा फ्रेंड है ना जिम में, मैं उससे मिलने आया था। बाय द वे कल के लिए थैंक यू। इट्स ओके। आई एम आयुष। आई एम सोनम। किसी का वेट कर रहे हो? एक्चुअली मैं दो लोगों के साथ रहता हूँ, तो हम रूममेट्स का एक पैक्ट है कि जब भी किसी की गर्लफ्रेंड घर आएगी ना तो हमें 2 घंटे के लिए बाहर रहना पड़ेगा, तो इसलिए और आधे घंटे के लिए मुझे घर से बाहर रहना पड़ेगा। तो चलो मैं तुम्हें कंपनी दे सकती हूँ, लेट्स गो समवेयर। ठीक है। मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ, आर्किटेक्चर पढ़ रही हूँ और कोचिंग और पढ़ाई भी मेरी यहीं पर है। और तुम यहाँ के तो नहीं लगते? नहीं मैं जयपुर से हूँ, वो कॉलेज के बाद यहाँ जॉब मिली तो आ गया। घर चले। आई होप यू आर ओके। तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा था, कोई प्रॉब्लम? नहीं वो मेरी माँ का फोन था। छोड़ो सॉरी, मैंने तुम्हारी इवनिंग भी स्पॉइल कर दी। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई एंजॉयड माई सेल्फ सीरियसली। मी टू। नंबर्स एक्सचेंज कर ले तो बेटर होगा राइट? आई मीन नहीं तो तुम हर एक दिन आओगे जिम मुझे ढूंढते हुए। हाँ यू राइट। 9867। ओके वी शुड मीट अगेन देन। हाँ जरूर। चलो मैं चलती हूँ। लड़के लड़के को ड्रॉप करते हैं पर यहाँ तो तेरा उल्टा ही है। यहाँ वो तुझे घर ड्रॉप भी कर रही है और हग भी कर रही है। क्या बात है। सही है यार, वैसे भी शादी के बाद घर बैठे खाना ही बनाना है उसको। ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? उसकी मॉम का फोन आया था, शी गॉट अ लिटल अपसेट तो हग कर लिया बस। उसकी मॉम का फोन आया था तो हग कर लिया। सोच उसके डैड का फोन आया होता तो क्या करती। Dad? Not dad. You remember the girl I met? I was just telling them ki I think she's super. And wo mujhe pasand bhi hai.
Lucky you. Come, I want to talk to you. Okay. Man, I... सीरियसली देख रही हो जैसे तुम इसके एग्जाम देनी हो. अपसेट क्यों हो? सोनम किसका फोन था? तेरी मॉम का. कुछ कहा क्या उन्होंने? मेरे मॉम डैड कल एक महीने के लिए आ रहे हैं और मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती. लेकिन क्यों? मुझे बताओ क्या हुआ? मेरी फैमिली में प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा है और तुम्हें कैसे बताओ कि वो कि क्या सोनम? I just hate them. Please चलो यहाँ से. मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे वो सब क्यों कहा. But I feel I can trust you. Sorry अगर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा परेशान किया होगा, पर मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है. Listen, I know I'm asking for too much, पर क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो? प्लीज बस एक मिनट दो, मैं अभी आता हूँ. हाँ कहाँ जा रहे? सोनम के घर. क्या बात है बेटा जी. अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, उसका मूड थोड़ा अपसेट था, रात को अकेले नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने कहा उसके लिए थोड़ा कुक कर दूं, थोड़ा चेयर अप हो जाएगी. गधा है तू बुरा. लड़की जब ये बोलती है कि उसको अकेले नहीं रहना तो शॉप है. पता है, मैं माँ को तब तक तंग करता था जब तक मुझे काउंटर पे बिठा के उनको खाना बनाते हुए ना देखने दे. इससे तुम्हें लग जाएगी. पता है तुम ना बहुत लकी हो. फटाफट खा ले, मुझे बहुत भूख लगी है. हाँ मुझे भी.
मिस्टर शेफ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। थैंक यू, मुझे खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। चलो, कोई तो मेरे लिए खुश है। सोनम, ऐसे नहीं सोचते। कितने बच्चों के अपने मॉम डैड के साथ नहीं बनती। तुम उनसे लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, पर ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती ना। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। Let it be, आयुष, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ठीक हो। और अगर मैंने तुम्हें रियलिटी बताई ना, मुझे नहीं पता तुम कैसे रिएक्ट करोगे। शायद एक दिन तुम भी भाग जाओगे। क्या रियलिटी? सोनम, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों मिलना बंद कर दे। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ कह सकती हो या कर सकती हो जिससे तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स चेंज हो जाए। जल्दी हम सॉरी तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन अभी उठो जल्दी। बस दो मिनट, मेरी एक नाइफ नहीं मिल रही है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कल दी थी रात को? यही कही होगी, बाद में ले लेना। मुझे सफाई भी करनी है, अब मेरे पेरेंट्स आ गए ना तो। इसका मतलब तुम मुझे आज रात को नहीं मिलोगी? नहीं, मेरे पेरेंट्स एक महीने के लिए आ रहे हैं। मैं हार्डली एक या दो दिन स्नीक आउट कर सकती हूँ। ओके, पर तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी। तुम आज रात स्ट्रांग रहोगी और मुझे एक बार फोन जरूर करोगी। तो फाइनली तुझे हमारे लिए टाइम मिल ही गया। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जा रहा आज? नहीं यार, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। अच्छा, तो इसलिए भाई साहब इतनी देर से फोन को घूर रहे। क्या हो गया तुझे? हाँ? क्या? ये देख। ओए बेटा जी, घर पे बुला रही है। ये तुझे घर पे बुला रही है? यार मम्मी का फोन आने पे तुझे गले लगा लिया तो पक्का दादाजी का फोन आया होगा। Cheers to दादाजी। Cheers to दादाजी। ये होती है किस्मत, और लड़की, खुद का घर, और तुझसे बट गई। लगे रे बेटे। यार गाइस, मुझे जाना होगा। मुझे पता था ये साला एंड टाइम पे धोखा देगा, पता था मुझे। पर बेटा जी, उसके घर पे पेरेंट्स आए हुए हैं, घर कैसे जाएगा? हाँ यार, पता नहीं। चल सुन, ये ले मेरी गाड़ी की चाबी। थैंक्स यार। और सुन, गाड़ी की सीट मत गंदी करियो बस। क्या यार। आयुष की लाइफ एकदम सही ट्रैक।